नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आरटी वूल सेंटर में। मैं आपका अभिषेक रस्तोगी, आरटी वूल सेंटर का ओनर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आरटी वूल सेंटर के आप यूट्यूब पेज पर जाकर हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि आप वीडियोस में देखकर आप अच्छे से प्रोडक्ट्स को देखते हैं और समझते हैं कि हम क्या वैरायटी आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम एक नई वैरायटी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं, एक बहुत ही अच्छी वैरायटी के साथ। कस्टमर की डिमांड पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कस्टमर की हमारे पास डिमांड थी कि आप अपने पास सिलाई है, क्रोसी है और स्टिच होल्डर से रिलेटेड आप एक वीडियो हमें बनाकर दिखाइए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आरटी वूल सेंटर, हमारा एक यूट्यूब पे पेज बना हुआ है, हम आपको वीडियो उसमें बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं सारे प्रोडक्ट की, ताकि आप उन प्रोडक्ट को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें और अच्छे से देखकर आप उन ऑर्डर को परचेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ आप जैसे कि काउंटर पर देख सकते हैं, मैंने सिलाई से लेकर स्टिच होल्डर से लेकर सारे प्रोडक्ट लगा रखे हैं काउंटर पर। तो मैं शुरुआत करते हैं वीडियो की सिलाइयों से, शुरुआत करते हैं वीडियो की गले की सिलाई से। मैं देखिए आपको बताना चाहता हूँ, सिलाई दो तरीके की सिलाई आती है नीट करने के लिए। आपको दो टाइप की सिलाई नीट करने के लिए बाज़ार में ब्रांड है, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेंगे, लेकिन नीट करने के लिए सबसे अच्छा ब्रांड जो होता है पोनी का ब्रांड होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये पोनी का ब्रांड है, ये पोनी की सिलाई होती है। पोनी की सिलाई का जो ब्रांड होता है ना, उसकी बहुत सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि पोनी की सिलाई लॉन्ग लाइफ चलती है, वो कलर नहीं छोड़ती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ार में आपको बहुत डुप्लीकेट सिलाई मिल जाएंगी, जॉनसन के नाम से सिलाई मिल जाएगी। हमारी शॉप पे हर तरीके की सिलाई मौजूद है, हम जॉनसन की सिलाई भी रखते हैं, पोनी की सिलाई भी रखते हैं, लेकिन हम कस्टमर को सजेस्ट ये करेंगे कि आप जॉनसन की सिलाई ना लेकर पोनी की सिलाई परचेस करें, क्योंकि पोनी की सिलाई आपको 30 रुपये पर पेयर पड़ती है, जॉनसन की सिलाई 20 रुपये पर पेयर पड़ती है, और ये साइज़ के हिसाब से सिलाई पड़ती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले सिलाई आती है नीट करने के लिए, गले के लिए। आपको गले के नीट करने के लिए 12 नंबर की सिलाई की नीट पड़ती है, इसमें 12 नंबर और 10 नंबर दो सिलाई आती हैं। उसके बाद आप आ जाइए हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको नीट करने के लिए, ये बहुत सारी सिलाई है, इसमें 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, हर तरीके की नीट करने के लिए आप सिलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके साइज़ अपने अपने हिसाब से आप डिपेंड कर सकते हैं, जैसे आपको नीचे का बॉर्डर बुनना है तो वो 12 नंबर, नीट करने के लिए स्वेटर के लिए आपको 10 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास 10, 11, 12 ये होती है बारीक सिलाई, इससे ऊपर मोटी सिलाई में आपको 8, 9, 6, 7 और 6 नंबर, मतलब ये मोटी सिलाई होती है, 6, 7, 8, 9 नंबर, 10 नंबर भी मोटी आती है। तो आपको मोटी सिलाई यूज़ करनी है तो मोटी के लिए, बारीक सिलाई यूज़ करनी है तो बारीक पोनी की सिलाई है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सी लेडीज़ जो होती है नीट करते हुए, स्वेटर को नीट करने में उनको परेशानी आती है कि वो सुई से फंदा रोकती है या फिर वो पिन लगाती हैं बुनते बुनते, कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मैंने अब स्वेटर बुन दिया, मुझे कुछ काम है तो इसका फंदा बीच में ना अटक जाए। तो पोनी ने इसके लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड निकाला है, पोनी ने जो है ना, मैं आपको दिखाऊँगा, पोनी ने जो है ना एक स्टिच होल्डर निकाला है। आप देख सकते हैं ये, जैसे बहुत सी सिलाई होती हैं बुनते बुनते, तो अब उनको लेडीज़ को बुनने को लेकर बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोनी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टिच होल्डर तैयार कर दिया है निकाल कर। आप देख सकते हैं, आप इसको सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आप ये सिलाई ऐसे हटाएं, यहाँ पे अपना फंदा ऐसे रोकें और ये हो गया आपका लॉक। तो इससे आपका क्या हो गया, आप जो भी स्वेटर बुनने या कुछ भी बुनने, वो आपका बिल्कुल सेफ हो गया स्टिच होल्डर से, ठीक है। इसी में स्टिच होल्डर के बाद सिलाई हमारे पास एक आती है पोनी की, पोनी की सुई मैं दिखाना चाहूँगा, पोनी की सुई होती है, लेडीज़ को ज़रूरत पड़ती है, लेडीज़ बहुत सी लेडीज़ जो है ना सुई से भी बुनती हैं, तो ये पोनी की सुई है, देख सकते हैं आप, ये पोनी की सुई है, इससे लेडीज़ बुन सकती हैं बहुत ही ईजीली। इसके बाद एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा स्टिच होल्डर में ही आपके पास, मैंने आपको एक ये स्टिच होल्डर दिखाया था, ये बड़ा स्टिच होल्डर है, ये छोटे फंदे रोकने के लिए छोटा स्टिच होल्डर है, ठीक है। तो आप बड़ा यूज़ कर सकते हैं, छोटा यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार की नीट से, किस प्रकार की वूल से, किस प्रकार सिलाई से नीट करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद मेरे पास आता है इसमें मार्कर, पोनी ने बहुत ही अच्छे निकाले हैं, ये मार्कर है, ये छोटे मार्कर होते हैं छोटे फंदों को रोकने के लिए, आप इसको छोटे मार्कर से छोटा फंदा रोक सकते हैं।
इसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अब तक ना हम नॉर्मली बेसिकली स्टील के क्रोसिया यूज़ करते हुए हैं, तो अब पोनी ने हमारे लिए निकाले हैं सिलाई के क्रोसिया। देख सकते हैं इसमें आपको सब नंबर अवेलेबल हैं, इसमें आपको 2.5 नंबर, 2 नंबर, 4.5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 3.5 नंबर, 2.5 mm, 3 mm, इसमें आपको सारे क्रोसे मिल जाएंगे पोनी के। और ये क्रोसिया केवल आपको 20 रुपये पर क्रोसिया पड़ेगा। जो मैंने आपको सिलाई दिखाई थी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, छोटी सिलाई आपको 30 रुपये पर पेयर पड़ेगी, मोटी सिलाई आपको 40 रुपये पर पेयर पड़ेगी, 6, 7, 8, 9 नंबर, बड़ी सिलाई भी आपको 40 रुपये सेम रेट पड़ेगी। इसके बाद मेरे पास एक बारीक क्रोसे भी मौजूद है स्टील में, जिसको हम बोलते हैं स्टील क्रोसे ठूक। ये एक बारीक क्रोसे होता है, बहुत ही बारीक क्रोसे है, देख सकते हैं ये बारीक बुनाई के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने टोटल क्रोसे की वैरायटी पे। एक मैं पोनी ने एक आपके लिए और अच्छा क्रोसे निकाला है, जिसको आप बोलते हैं हैंडल क्रोसिया। ये आप देख सकते हैं, एक क्रोसिया मैंने आपको ये दिखाया था सिल्वर क्रोसिया, बिल्कुल सिंपल क्रोसिया। एक क्रोसिया आपके पास ये है हैंडल क्रोसिया, जिसे आप ऐसे अगर गेर देंगे भी ना तो इस क्रोसे का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना मजबूत पोनी ने निकाला है ये क्रोसिया, ये गिरने से भी कुछ नहीं पड़ता है इस पर फ़र्क। इसको आप इजीली, आपके हैंड भी नहीं दुखते हैं अगर आप इस क्रोसे से ऐसे नीट करते हैं, तो इससे आपका हैंड में कोई दुखता नहीं है, आपके हैंड में इतना दर्द नहीं होगा, आप इजीली नीट कर सकते हैं इस क्रोसे से। उसके बाद एक आ जाता है हमारे पास रबड़ का क्रोसिया पोनी का। दोनों क्रोसे में डिफरेंट इतना है, वो आपका प्लास्टिक क्रोसिया है, ये आपका रबड़ का क्रोसिया है। इसकी क्वालिटी और बेटर डैन कर दी गई है, मैं आपको दोनों में रेट बताना चाहूँगा। ये क्रोसिया आपका प्लास्टिक का क्रोसिया 30 रुपये पर क्रोसिया है, ये क्रोसिया आपका रबड़ का क्रोसिया 50 रुपीज़ पर पीस है, 50 रुपये पर पीस क्रोसिया आपको ये पड़ता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सिलाई में भी बहुत तरीके की सिलाई आती है, आज के टाइम में वायर वाली सिलाई चल रही है, गले की बहुत डिमांड आ रही है कि गले की वायर की सिलाई दिखाइए, तो हमारे पास गले की वायर वाली सिलाई है ये मौजूद। इसमें हमारे पास सभी नंबर मौजूद हैं, इसमें मेरे पास आप ये देख सकते हैं 6 नंबर मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं ये 12 नंबर की सिलाई मौजूद है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं 8 नंबर की सिलाई मौजूद है, इसके बाद देख सकते हैं आप ये 10 नंबर की सिलाई मौजूद है, इसमें देख सकते हैं मेरे पास गले की सिलाई वायर वाली 7 नंबर मौजूद है। तो मेरे पास इसी में लगभग सारी सिलाइयों की वैरायटी मौजूद है। इसके बाद मैं एक सिलाई और आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि अभी मतलब रिसेंटली न्यू स्टॉक है, ये बहुत ही अच्छी सिलाई है, इसको हम बोलते हैं वुडन सिलाई। देख सकते हैं लकड़ी की सिलाई है बिल्कुल, और क्वालिटी बहुत अच्छी है पोनी की, लकड़ी की सिलाई है, मात्र 40 रुपये पर पेयर पड़ती है आपको। ये पूरी लकड़ी की क्रोसी है, बैम्बो से बनी हुई होती है, इसको बोलते हैं बैम्बो नीट। इसके बाद ये सारी हमारे पास बड़ी सिलाई मौजूद है, बड़ी सिलाइयों में आपके जिसको छोटी सिलाई होती है चाहिए होती है वो छोटी सिलाई से नीट कर सकता है, जिसे बड़ी चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे जाकर artiwoolcenter.com पे, नीचे आपको वीडियो में वेबसाइट हमारी मेंशन हो जाएगी, हमारे व्हाट्सअप नंबर मेंशन हो जाएंगे, उस पे आपको ये सारी सिलाइयों की डिटेल फुल चीज़ पैसे आपको मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं ये बड़ी क्रोसे है, बड़ी सिलाई है। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर आपको सिंपल जाना है, artiwoolcenter.com गूगल पर सर्च करना है, वहाँ पे आपको सीधा खोलते ही ओपन नीचे YouTube वीडियो पेज दिख जाएगा, वीडियो YouTube वीडियो पे, या सीधा आप artiwoolcenter डालेंगे YouTube पे तो उस पे हमारा चैनल आ जाएगा, उस चैनल पे आप डिटेल में पूरी डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, आप सिंपल ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, हमारे पेज पर जाकर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल हमारी वेबसाइट खोलनी है, वहाँ से ऑर्डर करना है। और एक चीज़ और कि हमारी हम एक बहुत ही ट्रस्टेबल शॉप पे हैं, हम आपके सामने देखते हैं कि हम कोई फ्रॉड वीडियो नहीं बनाते हैं, आप हमारी शॉप देख सकते हैं पीछे, हम अपनी शॉप के व्यू के साथ ही ये वीडियो बनाते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे COD अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको पेमेंट पहले ही करनी होगी, इस चीज़ से आप ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि हम भी आपके सामने एक दुकानदार हैं, तो हम एक वैल्यूएबल दुकानदार हैं, हम कोई फेक नहीं है कि हम आपके पैसे लेंगे या इस तरीके करेंगे, तो आप COD अवेलेबल नहीं है, जाके आपको पेमेंट पहले ही करनी पड़ेगी। इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ मैं उन सभी कस्टमर्स का जो हमारी वीडियो देखते हैं और आप इतना प्यार देते हैं हमें हमारी वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही आप हमारे साथ हमें प्यार बनाए रखें। थैंक यू।